तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल आपको लोकेशन देख के पता चल गया होगा कि मैं हूँ अभी रायपुर सिटी में और अपना हर्बल लाइफ का मीटिंग था। तो अभी हम सभी यहाँ पे आए हैं सब लोग। तो फिलहाल अभी ये है अपना होटल जहाँ पे अपना है मीटिंग। भाई साहब मैंने एक दिमाग लगाया, पार्किंग देखो कितना मतलब स्पेसियस थोड़ा सा नहीं है क्योंकि दूसरे होटल के मुकाबले में ना। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को यहाँ आराम से लगा दिया है। सबसे पहले मैं उधर से निकल के डायरेक्ट भाग लेंगे क्योंकि जब भी निकलते हैं ना भाई इतना जाम लग जाता है क्योंकि अभी और गाड़ी आने वाले हैं। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, क्या क्या सीन होता है वो सारे चीज़ देखते हैं, आपको बताता हूँ। भाई देखो भीड़ देखो यहाँ पे इतना भीड़ है। एक तो म्यूजिक चल रहा है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे को। बाहर पार्क है शायद गार्डन तो उधर चलता है, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा भीड़ है, कंजेस्टेड एकदम, मेरा आवाज भी नहीं आ रहा होगा आप लोग को। हाँ सो गाइस यहाँ पे अभी अपन गार्डन पे आए हैं, इधर खाना वाना होगा अपना। तो अपन अभी शेक पी रहे हैं यहाँ पे। गार्डन एकदम मस्त है, एकदम स्पेसियस यहाँ पे। भाई पिछले वाले होटल में थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाता था, वो मज़ा नहीं आता था फिर अपन को। तो ठीक है यहाँ पे कृष्णा बोल रहा है, कृष्णा का तो फर्स्ट टाइम है, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि तेरा एक्सपीरियंस किस तरीके से है। तो बता रहे भैया कैसा लगा बता। कृष्णा को हम लोग जब भी लाएंगे बोलते थे ना तो भाई वो मतलब प्लान चेंज हो जाता था इसीलिए ना। वही तो इसीलिए। और आज भाई सोक नहीं उठ रहा था, जबरदस्ती उठाए फिर आए हैं। तो भाई अपना क्या हुआ था, हम लोग निकले थे 3:30 बजे है ना। 3:30 बजे से यहाँ मतलब अपन 4 घंटे करीब लग जाते क्योंकि 250 किलोमीटर है ना इस तरीके से। तो अभी रास्ते भी खराब है थोड़ा सा सरायपाली तक। सरायपाली से तो अपना नेशनल हाईवे 53 मिल जाता है, उसके बाद दिक्कत ही रहता है एक्सप्रेस वे, भगाओ जितना भगाना है दबाओ अच्छे से। तो फिर उसी में हम लोग को लेट हो गया करीब मतलब 4 घंटा लग गया। मैं आपको बताया ना 4 घंटा भाई इतना ज़्यादा दिक्कत क्या बताऊँ। लेकिन अपने को आना पड़ता है, यहाँ पर मीटिंग होता है ना हर्बल लाइफ पे। देखते हैं रायगढ़ सिटी में अगर मीटिंग होगा ना तो उधर का अटेंड करेंगे, पहते नहीं सौर अच्छे से। लेकिन अपना हर महीने 2-3 बार ना हो जाता है, 2 बार तो फिक्स ही है। लेकिन मैं नहीं आता, मैं मतलब मेरा पढ़ाई वढ़ाई रहता है ना तो मैं नहीं आ पाता, मम्मी आ जाती है। और फिर अभी तो कृष्णा का फर्स्ट टाइम है, अभी तो कृष्णा का फर्स्ट टाइम है, ये अभी देखते हैं इसका एक्सपीरियंस। भाई गाड़ी में तो सोते सोते आया तुम लोग, ड्राइव तो मैं किया हूँ, तुम लोग की क्या दिक्कत है आने में नेक्स्ट टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है मेरे, क्या वही तो रास्ता खराब था ना एकदम घटिया एकदम। और अभी हम है कौन से होटल में, होटल ग्रैंड इम्पीरियल, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई अंदर में। आपको अंदर का तो सीन दिखाई दिया था आपको। तो चलो फिलहाल अभी मीटिंग अटेंड करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग आए ना तो वहाँ पे 2 जगह में पुलिस वाले लोग रोक रहे थे, लेकिन मेरा सब पेपर ओके था ना करके हम लोग का हो गया। पॉल्यूशन नहीं था इसीलिए 300 रुपये भाई साहब। फिर क्या बोले भैया, ले लो भैया 300 मंडवाली कर लो, इस तरीके से हुआ क्या। तो भाई यहाँ बोलते हैं यार मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए करके। हम लोग देखो 8 बजे से आ गए हैं, 9 बजे से आ गए हैं, अभी से मीटिंग स्टार्ट नहीं हो, लेकिन टाइम लग जाता है। अभी से एक वक्त डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था इस तरीके से। तो अभी अपन इधर ही डोल रहे हैं इधर उधर। यहाँ है ग्रैंड इम्पीरिया, देखो होटल ग्रैंड इम्पीरिया, यहीं पर आए हैं अपन। और ये कृष्णा गिर जाएगा मत कर ऐसे, देखा बोला ना गिरेगा करके, ऐसे मत कर। और गाइस अभी मीटिंग्स तो स्टार्ट होगा, लग तो रहा है अभी आधे घंटे में फिर अपन अंदर चले जाएंगे। और फिर कम से कम 2 घंटे तो अपना कैद हो जाएंगे जैसे है ना, मम्मी आने नहीं देगी। 2 घंटा बोलेगी बेटे नहीं जाना किधर भी, इधर ही रहो करके। और फिलहाल चलो कोई बात नहीं, अटेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे अपना लंच होगा वहीं पे जहाँ आपको दिखाया ना पार्क, पार्क नहीं बोल सकते, मैरिज गार्डन जैसे है कुछ इस तरीके से, तो वहीं पे होगा फिर अपना खाना पीना। और फिर उसके बाद फिर मीटिंग अटेंड करना है, फिर उसके बाद अपना है घर वाला ट्रिप।
भाई तू इतना मतलब बॉटल से पानी दे दे रहे है, उसको पीने के लाए हैं अपन। पी लिया ना। तो का है इसको वेस्ट करें, मैं पीऊंगा ना, रहने दे अभी रुको, मैं खोलता हूँ गाड़ी। पिक 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 किधर है चाबी? खोल गया, खोलो। नहीं खुला भाई, जान लगा जान, हड्डी मैन। कुछ भी मत बोलते रहे भाई, अभी पकड़ाऊंगा ना, खत्म हो जाएगा तेरा सारा वेट, समझा? 18 किलो वेट उठा लूंगा बोलता है। कितना वेट है वो है? कितना वेट है? 10। अच्छा बेटा 10 kg बोलते हैं। कुछ भी भाई तो दब जाएगा उसमें, समझा? उठा लूंगा बोलता है, दब जाएगा, रहन दे, तेरे बस की नहीं है ना। कुछ भी मत बोलते रहे। फिलहाल गाइस, तो फिलहाल अभी अपन खाना खाने के लिए आए हैं। और गाइस देखो कितना भीड़ है यार, यहाँ पे बड़ा जगह है ना तो पता नहीं चल रहा है। और ये अपना टिकट, और ये हम हैं, और ये हमारा पार्टी हो रही है भाई साहब। ये अपना मैं फिर से ट्रेन चला दूंगा जैसे लग रहा है। और यहाँ पे अपना मामा है, खाना वाना खाएंगे भाई, अभी भूख लग रहा है। करीब देखो 2 बज गया भाई, 2:33 हो गया। तो चलो फिलहाल खाना खा के मिलते हैं आपसे। तो अभी भाई साहब अपना फ़ोन के स्टोरेज का एक दिक्कत आ गया है, प्रॉब्लम इशू। अब वो तो 128 स्टोरेज है, वो पूरा फुल हो गया, और सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सारे चीज़ फाइल सब, मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। ब्लॉग अभी यहीं पर एंड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, देखता हूँ अगर फ्री अप होता है ना तो आगे ब्लॉग शूट होगा। तो ये भाई अपना इंडिया, भाई इंडिया का मतलब अलग ही सीन रहता है यार, कहीं पे खाना खाना है, मतलब खाना खाना है, बैठने बैठने की दिक्कत नहीं रहता। हम भी वहीं पे ज़मीन में बैठ कर खाए हैं आराम से, अभी रहते कोई दूसरे जगह ना तो भाई वही अपने स्टेटस ढूंढते हैं। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं होता, अपन को कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, बस खाना मिलना चाहिए, खाना तो बेहतरीन था। तो फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग मेरे को ना एकदम शॉर्ट बनाया हूँ, मतलब ना क्या करूँ, स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाया उस तरीके से, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं सॉल्व हो पाया। फिलहाल छोड़ो कोई बात नहीं, वो तो अभी है। और यहाँ पे देखो अभी खाना पीना चल ही रहा है, यहाँ पे 4 बज गया ना, और यहीं पर चलें। सो गाइस अभी फिर से मम्मी का कॉल आया है, तो अपन को जाना पड़ रहा है बाहर, गाड़ी में क्या क्या सामान है वो सारा चीज़ अभी निकालेंगे, फिर से आएंगे इधर ही बैठेंगे भाई, आराम करना है पूरा। मतलब ना हम लोग ना 4 बजे से उठे हैं, और फिर मैं भी ड्राइव किया आधा है? और 4 बजे से तो 3 बजे से उठे। अरे भाई सॉरी, 3 बजे से उठी भाई, मेरे को नींद हल्का हल्का नींद आ रहा है ना यार कृष्णा, मतलब नींद आ रहा है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? और फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वन में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। और ये देखो बंदर को यही कर तू भाई, पानी सील पैक है ना, सील पैक है मत फेंकना उसको। तो